इसके अलावा जितने हमारे सिविल लोग हैं, हम यहाँ किसी के दुश्मन नहीं है, हमें किसी के रोजगार से गर्ज नहीं है। हम समझते हैं कि हर बंदे को रोजगार की जरूरत है। हमारे बाद ताजर भाई हैं, हमारी उनसे भी हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारा आम शहरियों से भी कोई इख्तलाफ नहीं है। पंजाब पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, बाबर साहब है, बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे, गाजमी साहब है, ये लोग सब बहुत शफकत करते हैं। इनकी भी मजबूरी है जब इनको ऊपर से ऑर्डर आता है, लेकिन हम लोग भी मजबूर हैं क्योंकि हम लोग कब तक बैठे हैं यहाँ पर, कोई हमारी बात नहीं सुनता, कोई नहीं, किसी को याद नहीं है, किसी को एहसास नहीं है कि ये देख नहीं सकते ये वॉशरूमों में कैसे जाते हैं, ये अपना कपड़े एक एक सूट पहना हुआ छः छः दिनों से, किसी के अंदर ये एहसास नहीं है, किसी को इस चीज़ का ख्याल नहीं है। तो दोस्तों आपने अपने अमल से इनके ज़मीर जगाने हैं, आपने अपने पुरअमन एहतजाज से, पुरअमन अपने रवैयों से इनके ज़मीर जगाने हैं। तो आपसे मेरी अपील है कि आप लोगों ने पुरअमन रहना है, ये मैंने आपसे बार बार कहा है, और अब्दुल्ला भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर मुझे अपने साथियों के सामने यकीन दहानी कराएं कि जिस तरह वो हमारे पास मिलने आते हैं, कम से कम हमारी हिफाजत, क्योंकि हमारे लोगों को सबसे बड़ा जो मसला है उनकी इनसिक्योरिटी है। पुलिस के होने के बावजूद हम इनसिक्योर हैं, रात को हमारे लोगों की यहाँ से चीज़ें घूम जाती हैं, कोई किसी की जेब से पैसे निकाल के ले जाता है, वो कुछ करता है, लेकिन इसके बावजूद